मन को मोह लेने वाला ये दृश्य सीधी जिले के भंवरसेन का है। सीधी से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भंवरसेन। ऐसी मान्यता है कि सोन नदी के किनारे ही बाढ़ भट्ट का जन्म हुआ था। तो आइए आज जानते हैं बघेली संवाद में क्या था बाढ़ भट्ट का इतिहास, कौन थे बाढ़ भट्ट। अपने बच्चे सबको जानी थे कि बाढ़ भट्ट को आही कादम्बरी के रचयिता जौन कादम्बरी दुनिया के पहल उपन्यास मानी जाती उखर रचयिता आई बाढ़ भट्ट। नमस्कार, हम आहन मृत्युंजय मिश्रा अपना पचे देखी लहन बाढ़ भट्ट टाइम्स के खास सीरीज बघेली संवाद। बघेली संवाद में आज हम किस्सा लेके आयन है बाढ़ भट्ट के। बाढ़ भट्ट के जन्म 7वीं शताब्दी में ही सोन नदी के किनारे प्रीतिकूट नामक जगह में भा रहा। मान्यता है, विद्वानन के मानव है कि प्रीतिकूट जौन आज के चंद्रे है भंवरसेन है, ये पहले के प्रीतिकूट आए यहाँ बाढ़ भट्ट जी के जन्म भा रहा। बाढ़ भट्ट के पिता के नाम चित्र भानु और माता के नाम राज्य देवी रहा था। जब बाल्य अवस्था में ही माता खत्म हो जाती हैं या 14 साल के होत होत बाढ़ भट्ट के पिता जी खत्म हो जाते। बाढ़ भट्ट अपने उपन्यास में खुदों बताए हैं कि उन घुमक्कड़ किस्म के युवा हो जाते और भ्रमण कर निकल पड़ा थे। यह भ्रमण के दौरान कन्नौज पहुँचा थे। जब कन्नौज पहुँचा थे तो कन्नौज के जो सम्राट रहा थे तो उनके दरबार में जाते, लेकिन जब उनके दरबार में पहुँचे तो कन्नौज के सम्राट राजा हर्षवर्धन इनका दिखिन तो कौनों में के इंटरेस्ट नहीं रही। उन्होंने का लाग के कौन में के आदमी हमारे सभा में आ गया। लेकिन कुछ दिन बाद जब राजा हर्षवर्धन का एहसास भा, राजा हर्षवर्धन जब उनके प्रतिभा का जानिन, जब उनके गुरु गंभीरता का दिखिन, तो राजा हर्षवर्धन खुदो उनका अपन सभा पंडित नियुक्त कर दी थी। दरअसल बाढ़ भट्ट संस्कृत के विद्वान रहे, संस्कृत के लेखक रहे और कवि रहे, और कादम्बरी रचना के समय जब कादम्बरी लिखत रहे तो कादम्बरी रचना उनकर बहुत फेमस रचना है, विश्व के पहल उपन्यास माना जाता है। हाइये ऐप विश्व के पहल उपन्यास है तो पूरा नहीं कह पाए रहे यह उपन्यास लिखते टाइम में ही थोड़ा बहुत बचा रहा तो उनकर देहांत हो जाता है। और देहांत के बाद यह उपन्यास का पूरा करते हैं बाढ़ भट्ट के पुत्र। यह उपन्यास का बाकी जो बचा रहा थे वह लिखते हैं या पूरा करते हैं। संस्कृत विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित किया जाता है। संस्कृत विभाग कालिदास संस्कृत एकेडमी उज्जैन द्वारा समरस कला शिविर जौन 20 फरवरी से 7 मार्च तक 2018 में आयोजित किया गया उज्जैन में, जौन उज्जैन के एकेडमी रही वहाँ शिविर में यह निर्णय लिया कि यहाँ यह कविन के यह आचार्यन के प्रतिमा लागी। जौन में से जबलपुर में ही महाकवि राजशेखर के प्रतिमा लागे कर रही। चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि के प्रतिमा लगाई जाए कर रही। और सीधी में ही महाकवि बाढ़ भट्ट के प्रतिमा स्थापित की जाए कर रही। लेकिन दुर्भाग्य के बात यह है कि सीधी में आज तक यह प्रतिमा स्थापित नहीं भय। उज्जैन से बाढ़ भट्ट की प्रतिमा बन के तैयार हुई के सीधी आई, सीधी मंगाई गए और यह प्रतिमा जो स्थापित करें कर रही तो वह जिला प्रशासन का शासन जिम्मेदारी सौंपे रहा कि यह प्रतिमा यह स्थान में ही आप स्थापित करवाओ। लेकिन दुर्भाग्य देखी अपना कि सब अपन पल्ला झाल लीन केव आगे नहीं आए ना केव कौनों में से प्रयास करें। आज वो प्रतिमा खंडहर के रूप में कहो न कहो बरसते में भीगती लाग हैं, कहो न कहो रखी हैं। लेकिन 2018 से आज तक 2021 है प्रतिमा लगावे का न तो जगह कहाँ मिली न तो कौनों में के दोबारा कौनों में से प्रयास किएगा। कलेक्टर दिलीप कुमार जब रहे तब वह प्रतिमा उज्जैन से लोडिंग के द्वारा सीधी मंगाई गए। 2 दिन तक लोड जौने गाड़ी से आई रही वह गाड़ी वाला 2 दिन तक प्रतिमा का चंद्रे से सीधी से चंद्रे घुमावत रह गया। लास्ट में ही जौन पुरातात्विक विभाग है वह मना कर दीस कि चंद्रे शिव मंदिर प्रांगण में यह प्रतिमा नहीं स्थापित हो सके, कहे कि यहाँ मात्र पुरातात्विक चीज रखी जा सकती न कि प्रतिमा स्थापित की जा सके। एक ही बाद
लास्ट में उनके मूर्ति का ही मानस भवन में लाई जाए के रख दीन गए। आज के डेट में ही अपना पचे जाए के देख सकी थे कि बरसते में वह मूर्ति आज भीग रही है, अब तक उखर रूपरेखा बिगड़ चुका है। यह बात या दिलीप कुमार कलेक्टर साहब जब रहे उनके टाइम के, लेकिन आज जिला प्रशासन कौनों में के आगे नहीं आवा के वह मूर्ति का ही दूसरे जगह स्थापित करवाई जा सके। 17 मार्च 2018 का मानस भवन में ही बाणभट्ट के एक समारोह आयोजित किन गया रहा। दोपहर 3:30 बजे विधायक केदारनाथ शुक्ल पहुँचे रहे और यह सभा में ही कह रहे कि सीधी के नाम बदलवावा जाए, सीधी के नाम बदलवाए के कादम्बरी रखवावा जाए। कादम्बरी नाम एकर प्रस्तावित करे रहे कि कादम्बरी सीधी के नाम हुई, लेकिन अब गवर्नमेंट एम मोहर नहीं लगाई है। और अपना पचे सोच सकी थे कि कैसा कि चेंज हो जी को इतना पहल करी कि उनखर मूर्ति बाणभट्ट के मूर्ति तो बरसते में भीगल लागी, खंडहर हो जा लागी, जो शायद अब स्थापित करे लायक नहीं आए। 4 साल से वो मूर्ति पड़ी है तो सीधी के नाम कैसा कि बदल जी, जब एक मूर्ति नहीं स्थापित करवाई जा सके तो नाम बदले तो थोड़ा जटिल प्रक्रिया है। अपना जाए के मानस भवन में देख ले बाहर दीवार के किनारे उनकर प्रतिमा आज रखी लागी वह बरसते में भीगल लागी वह, शायद अब वह प्रतिमा स्थापित करे लायक नहीं हुआ है। कहे कि इतना उम्र बारिश हो चुकी है कि वह प्रतिमा के जौन रूपरेखा है बदल चुकी है। यह मैं के पुन के बघेली संवाद में अपना पचन के सामने कौनो सच्ची कहानी लेके आओ, तब तक खातिर नमस्कार, जय बिंद।